अयोध्या में दिव्य और भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसकी एक एक तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये तस्वीरें मनोहारी हैं, अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। राम कथा पार्क में दिव्य और भव्य आयोजन किया गया है। इसके अलावा राम की पैड़ी सरयू के तट पर 25 लाख से अधिक दिए सजाए गए हैं, क्रमबद्ध तरीके से उनको रखा गया है, दियों में तेल डाल दिए गए हैं और थोड़ी देर बाद दीपोत्सव का आगाज हो जाएगा। लेकिन एरियल व्यू से जो तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये दिव्य और भव्य अयोध्या की एक तस्वीर बता रही है कि कैसे कलयुग में त्रेतायुग की झलक हमें देखने को मिल रही है। जब त्रेतायुग में प्रभु श्री राम लंका से लौटे थे, पुष्पक विमान से उतरे थे, इसी प्रकार से अयोध्या ने उनका स्वागत किया था, उनका अभिनंदन किया था और आज भी कुछ वैसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से तमाम राम भक्त अयोध्या में मौजूद हैं, जो रामलला के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं, इस दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए पहुँचे हैं। राम कथा पार्क से लेकर राम की पैड़ी तक की तस्वीरें एरियल व्यू के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ड्रोन के जरिए तस्वीरें ली गई हैं। राम की पैड़ी पर लेजर शो का आयोजन भी किया जाएगा। यहीं पर थोड़ी देर बाद दीपोत्सव की तस्वीरें आप देख पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, जो इस लेजर शो को भी देखेंगे, भव्य दीपोत्सव का आगाज करेंगे। साथ ही साथ महाआरती भी होगी माँ सरयू की आज, उस महाआरती में भी वो शामिल होंगे। उसके बाद सरयू के आसमान पर ड्रोन शो का नज़ारा भी देखने को मिलेगा। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राम की पैड़ी पर ही मौजूद हैं। इस दिव्य और भव्य आयोजन का वो हिस्सा बन रहे हैं, इसके गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। सीधा उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि इस वक्त कैसी तस्वीरें वो देख पा रहे हैं, क्या तैयारियां वहां पर आगे बढ़ रही हैं। अनुपम बताइए। देखिए, हमें जिस तरीके का उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है। और जैसे ही 6 बजेंगे घड़ी की सुइयों में, यहाँ पर आपको बताएं कि दिए जगमगा होने शुरू हो जाएंगे, दियों को जलाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और अब बस इंतजार हो रहा है वीवीआईपी के आगमन का। रंगारंग कार्यक्रम के कलाकार भी यहाँ पर मंच पर पहुंच चुके हैं। जैसे ही तमाम अतिथि यहाँ पर पहुंचेंगे, विशिष्ट मेहमान यहाँ पर पहुंच चुके हैं और उनके आने के बाद कार्यक्रम की विधिवत तौर पर यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी। रात के साथ 6:30 बजे का जो वक्त है वो आपको बता दें कि सरयू पर महाआरती का वक्त तय किया गया है। सरयू पर महाआरती होगी 6:30 बजे, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम वीवीआईपी वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस तरीके का उत्साह यहां पर, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बच्चे हो, यहां तक की सबसे बड़ी बात ये है कि अमूमन देखने को आता है कि जो सरकारी विभाग के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनकी इच्छा, उनका मन धार्मिक कार्यों या ड्यूटी में बहुत ज्यादा देखने को पूर्व में नहीं लगता था, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि चाहे शिक्षक हो, चाहे अलग अलग विभागों के एम्प्लॉयज हो, सब पूरी मेहनत करके पिछले 1 हफ्ते 10 दिन से लगातार इस दीपोत्सव के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं। अमित, एक महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दर्शकों को अवश्य देंगे कि जिस तरीके से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात है उसको लेकर के पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं और साथ ही साथ गिनीज बुक रिकॉर्ड को लेकर के गणना साथ साथ चल रही है। यानी कि जैसे ही इधर दीपोत्सव जलना शुरू होगा उनकी टीम ने एक प्रिलिमिनरी जिस तरीके से पहले जो गणना होती है वो उन्होंने करके रखी हुई है और उसके बाद ये दूसरी गणना जो है जब ये जल जाएंगे तो उसके बाद होगी और उसके बाद यहाँ पर 25 लाख ज्यादा दिए जलाने का ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार यहाँ पर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। और इस बार मैंने एक चीज और देखी थी, जिस तरीके से विदेशी रामलीलाओं का मंचन हो रहा है, लेकिन विदेशी रामलीलाओं के मंचन से ज्यादा बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर घाटों पर देख रहे हैं। हम जोन 1 से लेकर जोन 7 तक बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अलग अलग देशों के श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्योंकि जो लोग यहाँ पर है, क्योंकि आप तो पहले यहाँ पर आ चुके हैं लेकिन मैंने यहाँ पर पहली बार इस चीज को देखा है कि बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु यहाँ पर है और लोग बता रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु इससे पहले दीपोत्सव के मौके पर यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में अलग अलग घाट पर। और एक और महत्वपूर्ण की शरीर की जो महाआरती और 7 जोन में हो रही है, इसके लिए जो महिलाएं हैं उनको जोन 1 और जोन 2 में रखा गया है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहाँ पर बैठेंगे उसके सामने जोन 1 और जोन 2 है, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 जो जोन है उनमें अलग अलग जिताचार्यों को बिठाया जाएगा जो इस महाआरती को संपन्न कराएंगे। अब सबको दीपोत्सव यानी कि दीप प्रज्वलन के इंतजार है और उसके बाद दूसरा जो महाआरती का बड़ा कार्यक्रम है उसमें भी रिकॉर्ड बनेगा, जिसमें भी गिनीज उसमें जो रिकॉर्ड यहाँ पर आज कहा जाता है उद्या की सरजमी से बनने जा रहे हैं। और अभी तो इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, बस कुछ ही मिनटों का इंतजार है क्योंकि 5:40 होने जा रहे हैं। कुछ ही देर के बाद 20 मिनट के बाद औपचारिक तौर पर इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी।
पहले महाआरती का आयोजन होगा अनुपम तय कार्यक्रम के मुताबिक, उसके बाद यहाँ पर राम की पैड़ी पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, लेजर शो होगा, दीपोत्सव का आगाज किया जाएगा, क्या क्या कार्यक्रम है सिलसिलेवार तरीके से बताइए। देखिए 6 बजे के बाद से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और 6:30 बजे सबसे पहले जो है वो महाआरती का कार्यक्रम होगा, उसके बाद यहाँ पर 7 बजे से जो है दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू होगा, लेजर शो, ड्रोन शो, बाद यहाँ पर कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कहेंगे एक तरफ से दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक स्टेज बनाया गया है, जैसा कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भी हमने देखा था कि जो इंतजाम किए गए थे उसमें भी एक स्टेज डिजाइन किया गया था और ठीक उसी तरीके से एक स्टेज यहाँ पर बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, जिसमें कि रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जो कलाकार अलग अलग सांस्कृतिक स्थलों से केंद्रों से यहाँ पर आए हुए हैं, जो पिछले कई दिन से यहाँ पर अपनी तस्वीर दे रहे थे वो यहाँ पर अपनी तस्वीर देंगे और 14 वर्ष के वनवास। तो तस्वीरें हम आपको अयोध्या से दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी अनुपम राम की पैड़ी पर ही मौजूद हैं, बता रहे हैं तय कार्यक्रम किस हिसाब से आगे बढ़ेगा। ठीक 6 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी, 6:30 बजे महाआरती देखने को मिलेगी जिसकी रिहर्सल भी कल की गई थी और उस महाआरती के साक्षी बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इसके अलावा यूपी कैबिनेट के तमाम मंत्री भी उस महाआरती का हिस्सा बनेंगे। उसके बाद महाआरती संपन्न होने के बाद ठीक 7 बजे दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी, पहला दिया जलाया जाएगा, उसके बाद राम की पैड़ी समेत पूरे सरयू घाटों पर 25 लाख से अधिक दिए जगमगाएंगे, उनको जलाया जाएगा, उनकी रोशनी की अद्भुत छटा देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक बिखरेगी। इसके बाद लेजर शो, साउंड शो का भी वहाँ पर आयोजन किया जाएगा, बाद में क्योंकि 25 लाख से अधिक दिए पहली बार किसी स्थान पर जलाए जा रहे हैं तो एक रिकॉर्ड भी बनेगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ को, वो हैंडओवर किया जाएगा, उसकी तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा करेंगे। इससे पहले रामकथा पार्क की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामकथा पार्क में प्रभु श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण भगवान और भाई भरत, साथ ही हनुमान जी का अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया, राम का राज्याभिषेक हुआ, उनकी आरती उतारी और फिर बाद में सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया, दीपोत्सव की शुभकामनाएं उन्होंने दी। जिन लोगों ने राम की पैड़ी में सड़े जल से आचमन कराया आज वो भी राम राम कर रहे हैं, विपक्ष पर ये कहते हुए उन्होंने निशाना भी साधा। एक बार फिर से अनुपम के पास चलते हैं, अनुपम हम तस्वीरें देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ संभवतः राम मंदिर में इस वक्त राम मंदिर परिसर के भीतर मौजूद हैं और वो रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, क्या यही तय कार्यक्रम है कि सरयू तट पर आने से पहले प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए सीएम योगी को जाना है? देखिए अमित, कल भी कार्यक्रम रखा गया है दर्शन का, तो इससे पहले अभी जो कार्यक्रम है उसमें दर्शन का कार्यक्रम तो फिलहाल अभी आधिकारिक तौर पर तो नहीं आया है, लेकिन अगर कार्यक्रम में कोई जानकारी हुई है तो इसकी जानकारी फिलहाल अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो उनका कार्यक्रम है कि कल वो प्रातःकालीन वेला में हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करने के लिए वो जाएंगे। लेकिन मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से, अब देखिए आप ये जो घाट है, जो 55 घाट है उन पर पूरी तरह से दीयों को लगा दिया गया है और किस तरीके से भव्यता और दिव्यता के साथ यहाँ पर देखिए हाथों में मोमबत्ती लेकर के ये जो वॉलंटियर्स हैं, भैया कितने बजे जलाएंगे? के साथ रोक रहा हूँ अनुपम, अपडेट ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम दरबार में पहुंच चुके हैं, प्रभु श्री राम का इस वक्त वो दर्शन कर रहे हैं, गर्भगृह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अपने आराध्य प्रभु श्री राम के सामने नतमस्तक सीएम योगी आदित्यनाथ विधिवत पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हुए हैं राम मंदिर में। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ को आप राम की आराधना करते हुए देख सकते हैं। राम कथा पार्क में लोगों को संबोधित करने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिव्य और भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में आप देखिए जहां पर विधिवत वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। सामने प्रभु श्री राम की अलौकिक प्रतिमा देख सकते हैं, उनकी मूर्ति मनोहारी, जिस किसी ने भी रामलला के दर्शन किए हैं अपने मन को हार बैठा है, ऐसी अलौकिक छटा, ऐसी अलौकिक दिव्यता और भव्यता शायद ही राम मंदिर निर्माण से पहले किसी ने कहीं पर देखी हो। और अब जबकि रामलला गर्भगृह में विराजमान है और उसके बाद ये पहला दीपोत्सव है तो ये दीपोत्सव बहुत खास हो जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ जो रामनगरी में मौजूद हैं वो प्रभु राम के दरबार में उनकी आरती करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ में केंद्रीय मंत्री भी आपको दिखाई दे रहे हैं, विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद वो मां सरयू की महाआरती में शामिल होंगे, उससे पहले रामलला के दर्शन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
जैसा कि अनुपम बता रहे थे कि तय कार्यक्रम के मुताबिक कल भोर में भी रामलला के दर्शन पूजन करने हैं सीएम को, साथ ही साथ हनुमानगढ़ी में भी जाएंगे, वहां पर भी दर्शन पूजन करेंगे। लेकिन उससे पहले आज रामलला के दर्शन पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम, मंत्रिमंडल के बाकी मंत्री, केंद्रीय मंत्री, सभी आप देखिए विधिवत प्रभु श्री राम की आरती उतारते हुए उनकी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो सीधा राम की पैड़ी पहुंचेंगे, माँ सरयू के तट पर महाआरती का आयोजन किया गया है। 1100 बटुक वेदाचार्य एक साथ माँ सरयू की आरती उतारेंगे, ये भी पहली बार घटित होगा और सीएम योगी आदित्यनाथ उसके साक्षी बनेंगे, साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी। और उसके बाद वहां पर लेजर शो का आयोजन होगा, साउंड शो का आयोजन होगा, साथ ही साथ ड्रोन शो के जरिए भी राम कथा की लीलाओं का वर्णन किया जाएगा, उसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। माँ सरयू के आसमान में आज आपको अद्भुत छटा देखने को मिलेगी, साथ ही साथ 25 लाख दिए सरयू तट पर राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जब राम मंदिर में प्रभु श्री राम राम की आराधना में लीन हैं। तो सीएम योगी के अयोध्या दौरे की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज दीपोत्सव के मौके पर रामलला के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ मत्था टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं, विधिवत वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को देख सकते हैं आप, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री हैं वो, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के संस्कृत मंत्री जयवीर सिंह, इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम सभी रामलला के दरबार में पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनकी आरती उतार रहे हैं और यहाँ से सरयू तट के लिए वो रवाना होंगे। इससे पहले रामकथा पार्क में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या के सभी पूज्य संतों के आशीर्वाद से दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है, मैं सभी को आज के इस ऐतिहासिक दिन की बधाई देकर अभिनंदन करता हूँ, ये हमारे लिए अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है। पहले नारा लगता था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो, मैंने कहा था कि धैर्य रखिए, प्रभु राम की कृपा जरूर बरसेगी। 5 अगस्त को पीएम मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला का काम किया, 5 अगस्त 2020 को, और आज 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान होकर संदेश दे रहे हैं कि अपने पथ से विचलित मत होइए, संघर्ष करिए, सफलता जरूर मिलेगी। अयोध्या में 2017 से पहले बिजली नहीं मिलती थी, कुछ लोगों ने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे और वो सारे लोग आज प्रभु राम का गुणगान कर रहे हैं, वो जो सनातन संस्कृत पर सवाल खड़े किया करते थे। 2017 में आपने कहा था कि मंदिर का निर्माण करो, आज मंदिर का निर्माण हो गया है, आज अयोध्या चमक रही है, अयोध्या में विकास की एक शुरुआत हो गई है, आज काशी चमक रही है। मैंने 22 जनवरी को राम भक्तों की आंखों में खुशी के आंसू देखे, मैंने उन लोगों के काले कारनामों को देखा है जिन्होंने राम भक्तों के लहू से अयोध्या को लहूलिहान किया था। माँ सीता की अग्नि परीक्षा भी बार बार नहीं होनी चाहिए, अयोध्या का बदला स्वरूप दुनिया को आकर्षित कर रहा है, ये तमाम बातें सीएम योगी ने कही हैं। और अब राम मंदिर में उन्होंने विधिवत दिए जलाए हैं और आप सीएम योगी आदित्यनाथ को दीपोत्सव की शुरुआत करते हुए देख सकते हैं। प्रभु राम की नगरी में पहला दिया राम मंदिर में जलाया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों, साथ ही साथ बाकी भी वीआईपी मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी राम के दरबार में आकर दीपोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं। पहला दिया
प्रभु राम के दिव्य और भव्य मंदिर में जलाया गया है। इसके बाद समूची अयोध्या में दीपोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। हर घर दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या के कोने कोने में दियों की रोशनी देखने को मिलेगी। सरयू तट दियों की रोशनी से जगमग हो उठेगा। राम की पैड़ी पर लाखों दिए क्रमबद्ध तरीके से रखे गए हैं, वो जगमग हो उठेंगे। माँ सरयू की महाआरती होगी, क्योंकि बहुत खास मौका, बरसों बरस इंतजार किया गया इस खास क्षण के लिए, जब रामलला गर्भगृह में विराजमान हों और उनके आगमन के बाद पहला दीपोत्सव हो रहा हो, तो बहुत खास हो जाना स्वाभाविक है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं, दीपोत्सव की औपचारिक शुरुआत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर में पहला दिया राम मंदिर परिसर में उनकी तरफ से जलाया गया। दूसरी तस्वीर पूरी अयोध्या की एरियल व्यू की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, कैसे रामकथा पार्क से लेकर राम की पैड़ी तक दिव्यता और भव्यता देखने को मिल रही है, वो आप दूसरी तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर गर्भगृह में जाकर विधिवत उन्होंने प्रभु श्री राम की पूजा की है, आरती उतारी है, रामलला के दर्शन किए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने। बहुत खास ये दीपोत्सव, हर बार से अलग। 1100 वैदिक विद्वान महाआरती में शामिल होंगे। त्रेतायुग की अयोध्या की चमक इस बार दीपावली से पहले देखने को मिल रही है। 30 अक्टूबर को यानी आज के दिन अयोध्या में हो रहे 8वें दीपोत्सव को लेकर पूरे देश की नज़रें प्रभु राम की इस पवित्र नगरी पर टिकी हुई हैं। एक साथ दो विश्व रिकॉर्ड यहां पर बनाए जाने की तैयारी है। 25 लाख दिए जहां एक तरफ जलाए जाएंगे, तो साथ ही साथ ये 8वां दीपोत्सव होगा जिसे सरकार दिव्य और भव्य बना रही है। 25 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में करीब 200 साधु संत और 1100 वैदिक ब्राह्मण सरयू नदी की महाआरती करेंगे। खास बात यह है कि इस महाआरती में काशी का भी विशेष योगदान होगा, क्योंकि अयोध्या में होने वाली इस आरती में बनारस की आरती भी सम्मिलित की जाएगी। तो ये तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, सीएम योगी के यहाँ पहुँचने का इंतजार किया जा रहा है। दीपोत्सव के इस दिन सीएम योगी यहां पर मौजूद हैं। भगवान राम माता सीता को उन्होंने आज राज्याभिषेक किया। इसके बाद सरयू की महाआरती में उनको शामिल होना है। 30,000 से अधिक वॉलंटियर दिन रात यहां पर उन दियों को क्रमबद्ध तरीके से सजा रहे थे, और आज वो दिन जब उनका जो प्रयास है वो फलीभूत होगा, वो परिणाम देखने को मिलेगा जब ये दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे। भगवान राम की नगरी को इस भव्य आयोजन के लिए विशेष रूप से सजाया गया है। यह आयोजन अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर में विराजमान होने के बाद पहला दीपोत्सव है जिसे ऐतिहासिक बनाने के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। चलते एक बार फिर से अनुपम के पास, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। अनुपम जी, दिव्य और भव्य अयोध्या की कई तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। इस वक्त एक बहुत ही खास तस्वीर, पहला दिया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर में जला दिया गया है। मतलब ये कि औपचारिक शुरुआत दीपोत्सव की हो चुकी है। बिल्कुल अमित, और औपचारिक शुरुआत कई होने के बाद यहाँ पर भी देखिए आप, दियों को जलाने का सिलसिला शुरू हो गया है। घाटों पर दिए जलने शुरू हो गए हैं। आपने जैसे ही बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औपचारिक शुरुआत की है दिया जला करके, उसके बाद जो तमाम वॉलंटियर्स हैं उन्होंने यहाँ पर मोमबत्ती से, स्टिक से मोमबत्ती बांधी हुई है, और मोमबत्ती आपको बता दें कि उसके जरिए यहाँ पर ये दिए जला रहे हैं। आप देखिए जो 30,000 से ज्यादा अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर्स हैं जो पिछले 6 से 7 दिन से लगातार यहाँ पर काम कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर दियों को जलाने के लिए काम शुरू कर दिया, और जय श्री राम की गूंज चारों तरफ से सुनाई दे रही है। पूरा भक्तिमय माहौल यहाँ पर। मैडम, किस तरीके से तैयारियां की गई थी और उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से दियों को जलाया जा रहा है, क्या कहेंगी आप? जय श्री राम, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर के। मुझे दियों को जलाने का सिलसिला शुरू हो गया है? शुरू हो गया जी, बिल्कुल शुरू हो गया है। मैडम, क्या कहेंगी आप, दियों को जला रही है? जी, आदेश आ गया है कि आप दियों को जलाना है? जी जरूर। देखिए ये बता रहे हैं कि दियों को जलाने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो गया, और अमित कुछ ही मिनट के भीतर ये सारे दिए रोशनी से जगमगाए हुए, यानी कि ये कहा जा सकता है कि 55 घाट जहां पर ये 25 लाख से ज्यादा दिए, कुल 28 लाख दियों की संख्या बताई जा रही है कि 28 लाख दिए यहां पर रखे गए हैं, और 25 लाख से ज्यादा दियों का रिकॉर्ड यहां पर कुछ देर बाद बनने जा रहा है। यानी कि सरयू की महाआरती से पहले ये कहा जा सकता है कि ये सारे दिए पूरी तरह से रोशनी से जगमग होंगे। और मैं आपको चाहूंगा कि एक तस्वीर यहाँ की भी दिखाऊं कि किस तरीके से बाकी जगहों पर, देखिए आप ये ऊपर से तस्वीर देखिए, कैमरा मैन नरेश दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ पर जो तमाम घाट हैं वहां पर भी आप पूरी तरह से दिए जलने लगे हैं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से, मेरे साथ कुछ लोग हैं, सर कितना बड़ा दिन मानते हैं आज आप, कितना बड़ा दिन है कि किस तरीके से दीपोत्सव 2024 है और दीप जलाए जा रहे हैं?
बहुत बड़ा दिन है सर, हमारे लिए सबसे बड़ा पर्व होता है दीपोत्सव का त्यौहार, और हम लोग इसको हंसी खुशी से मनाते हैं और हर साल मनाते हैं। कितनी खुशी हो रही है आप? अब क्या बताएं सर, व्यक्त नहीं। और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से भैया दीपोत्सव 2024 का आगाज हो गया है, दीप जलने शुरू हो गए हैं। दीपोत्सव 2024 का सर आगाज हो गया है, दीप जलने शुरू हो गए। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और अयोध्या में ये 8 सालों से हो रहा है और बड़ा ही खूबसूरत इस समय नजारा है, आप खुद देख रहे होंगे और पूरे विश्व में जो है ये आप लोग दिखा रहे हैं और हम लोगों के लिए तो बहुत गर्व का विषय है क्योंकि हम लोग खुद अयोध्या से हैं। कितनी खुशी हो रही है सर, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है और दिए जलने शुरू हो गए। ये हम लोग के लिए और हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि योगी जी के शासनकाल में इस तरह का जो कार्यक्रम हो रहा है और अयोध्या जिसको पहले कुछ भी नहीं मिला था, आज की डेट में अयोध्या को आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से सारी भीड़ अयोध्या में है, तो ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम है, बहुत ही उत्साहित लोग हैं यहाँ के। ये तमाम लोग उत्साहित हैं, तमाम और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे अमित बातचीत करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो घाट हैं, चाहे आप राम की पैड़ी पर किसी भी घाट पर चले जाइए, अब यहाँ पर तमाम जो दिए हैं उनको जलाने का सिलसिला काफी देर पहले ही शुरू हो चुका है और रोशनी से नहाए हुए घाट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं 55 घाट पर 25 लाख से ज्यादा दिए, तमाम युवा हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है जिस तरीके से रोशनी से जो घाट जो है वो पूरी तरह से जगमगाए हुए दिखाई दे रहे हैं, सर कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, पहली बार विजिट कर रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है काफी। अभी ये हाल है, अभी और भी आगे चल के और अच्छा हो जाएगा। वो कहाँ से आए आप? मैं यहीं के रहने वाला हूँ, शिफ्ट हुआ अभी, वैसे बेंगलोर रहता हूँ मैं। देखिए तमाम युवा, कितना अच्छा लग रहा है जिस तरीके से रोशनी मन है यहाँ पे, हमको देख के बहुत आनंदित लग रहा है। ऐसा ही हर साल आता हूँ देखता हूँ, आज कुछ अलग ही दिख रहा है यहाँ पे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है, बहुत ही अच्छा आनंदमय है। और भी देखिए तमाम युवा है। मैडम किस तरीके से लग रहा है प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है? अच्छा लग रहा है। खुशी हो रही है आपको? जी। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। देखिए और भी लोग हैं सर, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है, रंगारंग तस्वीरें यहाँ पर, दिव्य और भव्य नजारा दिख रहा है। जी सर। कितनी खुशी हो रही है? बहुत सर, बहुत खुशी हो रही है। क्या लगता है आपको, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव है, उम्मीद थी कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा? उम्मीद तो नहीं थी लेकिन हुआ बहुत बढ़िया से। देखिए अमित बता रहे हैं कि किस तरीके से, और ये आप घाट की तस्वीर